तो कहानी शुरू होती है 1961 में डॉक्टर गाय को दिखाते हुए जो कि अपनी एक पेशेंट की बॉडी से सिस्ट रिमूव कर रहे होते हैं जिसके दौरान सिस्ट से निकला पूरा रेल्टी फ्लूड नर्स पैट्रिसा के फेस पर चला जाता है जिससे हम समझ पाते हैं कि डॉक्टर का मूड थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि उन्होंने जान बुझ कर सिस्ट को इस तरह ऐसी प्रेस किया था इसके बाद पैट्रीसा रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उसे शेयर करती है की अभी उसके साथ क्या हुआ यहाँ पर इनकी बातों ऐसी हमें पता चलता है की पैट्रिसा का आज इस क्लिनिक में आखिरी दिन है थोड़ी देर बाद पैट्रिसा एक दूसरी पेशेंट को रूम में ले जाती है जिसकी नेक पर एक काफी बड़ा सीस्ट होता है फिर पैट्रिसा डॉक्टर के पास उन्हें बुलाने के लिए आती है और तभी उसे पता चलता है कि डॉक्टर इस बार एक मशीन का यूज करने वाले हैं सिस्ट को ट्रीट करने के लिए लेकिन इस बात से पैट्रीसा काफी नाराज होती है और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच बहस हो जाती है मगर पेट्रीसा के इनकार करने के बावजूद डॉक्टर मशीन को यूज करने वाले होते हैं लेकिन यहाँ पर पेशेंट खुद ही मशीन को यूज करने से इनकार कर देती है जिसके बाद गाय गुस्से में उस सीस्ट को प्रेस करते हैं और उसमें से निकला सारा फ्लू फिर से पैट्रीसा पर आ जाता है इन सभी बातों के बाद हमें पता चलता है कि आज क्लिनिक में कुछ एग्जामिनर्स आने वाले हैं गाय की मशीन को देखने के लिए जिसके लिए गाय को एक टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए होता है जिस पर पैट्रीसा टेस्ट सब्जेक्ट बनने से इनकार कर देती है इसलिए बेचारा प्रेस्टन फंस जाता है अगले सीन में हम देखते हैं कि अब एग्जामिनर टीम आ जाती है दरअसल टीम में सिर्फ तीन लोग होते हैं डेला एल और बिल जिन्हें पैट्रीसा रूम में लेकर जाती है जहाँ टीम गाय को सिर्फ एक घंटे का वक्त देती है ये प्रूफ करने के लिए कि उसकी मशीन काम करती है कि नहीं तो दरअसल गाय ने इस मशीन को इसलिए बनाया था ताकि बड़े बड़े सीस्ट को बिना ज्यादा पेन के रिमूव किया जा सके प्रेस्टन के बैग पर दरअसल एक छोटा सा एक्नी होता है जिस पर गाय मशीन को ट्राई करने वाला है मशीन स्टार्ट करते ही उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसे देख कर टीम गाय से कहती है कि उसकी मशीन एक फेलियर है और टीम रूम छोड़ कर जाने लगती है गाय उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन उनके न रुकने पर गाय फिर खुद ही उन्हें रूम से भगा देता है जिसके बाद टीम और पेट्रीसा एक रेस्टोरेंट में जाते हैं लंच करने के लिए यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि गाय की मशीन चेक करने के लिए इससे पहले भी एक बार एग्जामिनर टीम आ चुकी है लेकिन पिछली बार भी गाय की मशीन बुरी तरह फेल हो गयी थी जिसके साथ साथ पेट्रीसा को भी काफी चोट आई थी जिसका निशान अभी तक उसकी बॉडी आरोप है सीन अब यहाँ आरोप शिफ्ट होता है गाय की तरफ दरअसल गाय प्रेस्टन के एक्नी में एक इंजेक्शन लगा रहा होता है एक्नी को सीस्ट बनाने के लिए वही पैट्रीसा और टीम लंच फिनिश करके क्लिनिक वापस लौटते हैं जहाँ गाय अब बिल्कुल पागल हो चुका था और जब वो प्रेस्टन का सिस्ट सभी को दिखाता है तो वो लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं क्यूँकी ये सिस्ट काफी ज्यादा बड़ा और भयानक लग रहा था फिर गाय मशीन स्टार्ट करता है मशीन से एक गन अटैच थी जिसमे से लेजर लाइट निकल रही थी जो की प्रेस्टन के सिस्ट के दो टुकड़े कर देती है जिस पर एल गाय से कहता है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही मिनट बचा है एल की ये बात सुनकर गाय को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस लेजर गन को शीस्ट के अंदर ही डाल देता है जिसके बाद ना सिर्फ सिस्ट बल्कि प्रेस्टन के अंदर के ऑर्गन्स भी मशीन के थ्रू सक होने लगते हैं जिसे देखकर कर पेट्रीसा लेजर गन को प्रेस्टन से अलग करने की कोशिश करती है लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी जिसके कारण बेचारा प्रेस्टन मारा जाता है इन सब के बाद हम देखते हैं कि उस मशीन से एक अजीब सा क्रीचर निकलता है जो कि बिल के साथ साथ एल को भी मार डालता है उस क्रीचर को देख कर डॉक्टर और पेट्रीसा भाग कर एक रूम में छुप जाते हैं दरअसल रूम के अंदर बुक सेल्फ के पीछे एक रेड बटन होता है जिसे दबाते ही पूरे क्लिनिक की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद हो जाते हैं यानी अब इनके बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो गए थे जिसे देख कर पैट्रीसा गाय पर काफी गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है मगर तभी डैला वहाँ पर आती है जिस पर वही क्रीचर लिपटा हुआ था डैला दोनों से ही उस क्रीचर को उस पर से हटाने के लिए बोल रही होती है लेकिन ये दोनों डर के मारे डैला की हेल्प करने के बजाय उससे दूर भाग जाते हैं जिसके बाद पैट्रीसा रिसेप्शनिस्ट और क्लिनिक में काम करने वाले वर्कर को लेकर गाय के पास रूम में आती है जहाँ पर गाय ने डैला को एक चेयर से बांध दिया होता है यहाँ पर हम देखते हैं कि उस वर्कर के पास गन होती है जिससे वो उस क्रीचर को मारने की कोशिश करता है लेकिन हैरानी की बात ये थी कि क्रीचर पर गोली का कोई असर नहीं होता यहाँ पर गाय फिर से मशीन का यूज करता है और सक्सेसफुली उस क्रीचर को डैला से अलग कर देता है लेकिन क्रीचर फिर से डैला पर हमला करके उसके फेस पर चिपक जाता है इसलिए डैला अब इनके पीछे आने की कोशिश करती है लेकिन वर्कर डैला को एक रूम में ही बंद कर देता है जिसके बाद ये सभी क्लिनिक से बाहर निकलने का रास्ता सोचने लगते हैं जिसके दौरान इन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी थी है। जो कि उसी रूम से आ रही थी जिसमें डाला बंद थी थोड़ी देर बाद उसमें से वही क्रीचर बाहर निकलता है जो कि अब पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका था ये लोग उसे देख कर फौरन एक रूम में छुप जाते हैं लेकिन बदकिस्मती से बेचारा वर्कर मारा जाता है वही अब ये लोग रूम में ही छुपे होते हैं मगर तभी इन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि बिल की होती है जो कि अभी भी जिंदा था पैट्रीसा रूम से बाहर जाकर बिल को बचाने की जिद करती है लेकिन गाय उसे नहीं जाने देता जिसके कारण अब इन दोनों में फिर से बहस हो जाती है जिसमे ये दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा मारते हैं मगर इस लड़ाई के दौरान गाय पैट्रिसा ऐसी अपने प्यार का इजहार भी कर देता है वही अब इन दोनों को लड़ता देख कर रिसेप्शनिस्ट खुद ही दरवाजा खोलने का फैसला करती है लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि वो क्रीचर बिल को भी मार डालता है जिसे देखकर ये सब फिर से सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर इस क्लिनिक से बाहर कैसे निकला जाए तभी यहाँ पर गाय बताता है कि नीचे बेसमेंट में एक स्विच है जिसे ऑन करते ही क्लिनिक के सारे दरवाजे वापस ऐसी खुल जाएंगे मगर गाय साफ इनकार कर देता है है कि वो स्विच को ऑन करने के लिए नीचे नहीं जाने वाला जिसके बाद पैट्रीसा हिम्मत जुटा कर उस स्विच को ऑन करने के लिए खुद ही नीचे चली जाती है अगले सीन में हम पैट्रीसा को बेसमेंट में देख पाते हैं जहाँ हर तरफ अजीब सा येलो कलर का फ्लूड पड़ा होता है तभी पैट्रीसा देखती है की उस स्विच बोर्ड को क्रीचर ने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है वही दूसरी तरफ वो क्रीचर सीलिंग को तोड़ता हुआ गाय के सामने आकर गिरता है और रिसेप्सनिस्ट को यहाँ पर मार डालता है लेकिन गाय बचकर रूम से निकल जाता है वहीं पैट्रिसा भी अब वापस ऊपर आ जाती है जिसके बाद ये दोनों फौरन से मशीन के पास जाकर लेजर लाइट को मैग्नीफाई करने का तरीका ढूंढते हैं जिसके दौरान गाय पैट्रीसा से पूछता है कि क्या वो सच में उससे नफरत करती है जिस पर पैट्रीसा कहती है कि नहीं उसने बस उसे समझने में थोड़ी देर कर दी खैर इन सब के बाद जब पैट्रीसा उस मशीन को स्टार्ट करने ही वाली होती है की तभी वो क्रीचर उस रूम की भी सीलिंग तोड़ कर अंदर आने की कोशिश करने लगता है जिसे देख कर गाय खुद की जान बचाने के लिए पैट्रीसा को उसी रूम में लॉक करके बाहर निकल जाता है वही गाय को ऐसा करता देख कर समझ जाती है कि वो कितना बड़ा धोखेबाज इंसान है फिर पैट्रीसा अपना दिमाग चलाती है और उस फ्लूड को एक ग्लव में फिल करके बाहर गाय आरोप फेंक देती है जिसके बाद वो क्रीचर बाहर आकर गाय को ही मार डालता है और फिर सीलिंग के थ्रू रूम में भी पहुँच जाता है जहाँ पेट्रीसा अब लेजर लाइट की मदद ऐसी उस क्रीचर को मारने की कोशिश करती है लेकिन गलती ऐसी लेजर लाइट गिर जाती है इन सभी चीजों ऐसी गुस्सा होकर पैट्रीसा आखिर में डायरेक्ट क्रिएचर की आँख ही बाहर निकाल लेती है और लेजर से उड़ा देती है लेकिन क्रिएचर अभी भी मरा नहीं होता वही अब ऐसी <tut> वो मशीन काफी ज्यादा गर्म हो जाती है जिसके कारण वो ब्लास्ट होने ही वाली थी, थी, थी कि तभी पैट्रीसा को वहाँ पर रूम की की मिल जाती है जिसके जरिए वो मशीन के ब्लास्ट होने से पहले ही उस रूम से बाहर निकल जाती है और तभी वो मशीन ब्लास्ट हो जाती है वो ब्लास्ट दरअसल इतना पावरफुल था कि उसकी वजह से रूम की दीवार में एक होल हो गया था जिसके जरिए पैट्रीसा फाइनली क्लिनिक से बाहर निकल पाती है और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करे और सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में